आइए देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इनका प्रयोग कौन से समय के लिए करना चाहिए, आइए इसे हम सीखते हैं। पहले तो देखिए, तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थ है किसी भी कार्य के शुरू होने का बिंदु बताना, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे कि बजे से सिर्फ 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे आदि। दिन का नाम, डे नेम, महीने का नाम, मंथ नेम, वर्ष का सन, ईयर फिगर, इसके अलावा सुबह से, शाम से, रात से, कल से आदि समय के लिए सिंस आता है। और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे घंटे, आवर्स, दिन, डे, महीने, मंथ, वर्ष, ईयर आदि के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा सिंस और फॉर का प्रयोग डिफरेंट।